जिला ऊना के मुख्यालय में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया मदर चाइल्ड अस्पताल उद्घाटन के 7 महीने बाद भी सफेद हाथी बनकर रह गया है। यहाँ मरीजों को अभी तक भी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाई है। अस्पताल भवन में पेंडिंग चल रहे छोटे मोटे काम अभी भी पूरे नहीं हो पाए हैं, जिसका सीधा कारण कई कार्यों के लिए समय पर बजट न होना है। आलम यह है कि चिकित्सा विभाग अभी तक इस भवन में बिजली का कनेक्शन लगाने में भी नाकाम रहा है, जबकि बजट की कमी के चलते इस अस्पताल में मरीजों को भर्ती करना तो दूर ओपीडी तक की सेवा को सुचारू नहीं किया जा सका है। हालांकि जिला के नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव वर्मा का दावा है कि 2 महीने के अंदर लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकार को इन सभी कमियों के बारे में अवगत कराया गया है। ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा पहले तो बजट की प्रॉब्लम थी, पर अब बजट पूरा का पूरा इनको सैंक्शन हो गया है और PWO ट्रांसफर भी कर दिया है बजट। हाँ, थोड़ी सी इसमें ना इलेक्ट्रिक जो वर्क है उसका और एयर कंडीशनिंग का, इसका एस्टिमेट अभी रिवाइज आ गया है और पैसा सैंक्शन है। PWD जल्दी इसके टेंडर लगा रही है और इसको कोशिश करेंगे 1-1.5 महीने के अंदर अंदर हम इसको कंप्लीट करवा लें ताकि ये सुचारू रूप से काम करना शुरू कर दे। इसके अलावा थोड़ा सा फायर फाइटिंग का काम भी है होने को, उसका भी टेंडर लगा दिया PWD में। प्रशासन ने तो दावा कर दिया है, लेकिन अभी तक अस्पताल में मूलभूत जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या 2 महीने के अंदर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी या नहीं, या फिर लोगों को और लंबा इंतजार अभी करना पड़ेगा। ऊना से अमित शर्मा, सूरत समाचार।